एंट्रेंस गेट है, इस तरफ से जाते हैं। यहाँ तो अभी कोई नहीं है, शायद पहले यहाँ पे टिकट लगता था जब। तो गाइस एक वापस से ज्योतिष ब्लॉग में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, और मैं हूँ फिलहाल बोटानिकल गार्डन में, और आप लोग को मैं ये गार्डन दिखाते हैं। तो जल्दी चलो देखते हैं। हाँ गाइस, ये बोटानिकल गार्डन में ना पहले यहाँ पे टिकट लेते थे, लेकिन आजकल शायद नहीं लेता। तो चलो देखते हैं कितना अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे बोटानिकल गार्डन में, और ब्लॉग भी बना रहा हूँ आज। तो जनरी और जनरी का मामा जा चुका है, और यहाँ पे इस तरह है ब्रिज, छोटा सा है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा लेक है, ये फिशरी टाइप का, शायद यहाँ पे फिश हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो रहा है, यहाँ पे पानी जो है ना आयरन ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा हो सकता है। कहाँ पे बैठते हैं? हाँ लो, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या क्या है ना। तो चलो यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। क्या रैबिट का बच्चा कहाँ पे? सुना, चलो देखते हैं। वाओ, हेलो बाबू, मम्मा के साथ आया ना? अच्छा, बाकी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आपका नाम क्या है? पीटरसन प्रणय। ओ, मम्मा के साथ आया ना? पापा भी है। पापा भी है? मम्मी पेट्रा है। अच्छा, वो है ना? ओके, क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिला आपको यहाँ पे? क्या क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, रैबिट। तो इस तरफ रैबिट है बोला, तो चलो देखते हैं यहाँ के रैबिट कितना टू है, देख लेते हैं। आओ, वाह कितना टू है? चार। ये माँ बाप होगा शायद, और दो उनके बच्चे, एक जो है ब्लैक एंड व्हाइट, और एक है ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड। हाँ, ब्राउन ब्राउन, ये भी थोड़ा सा ब्राउन है, थोड़ा सा है। हाँ, थोड़ा है कान में। और देखो गाइस फूल को किस तरह से यहाँ पे रखता है, बम्बू को होल करके यहाँ ऐसा बांध के इसमें सार दे के लगा दिया है। वाह, साफ है देखो। चलो आप लोग को दिखाते हैं। ओ, लॉक है ना, अंदर तरफ नहीं जा सकता, ये लॉक है। और थोड़ा ठंडा है ना यहाँ? हाँ, बहुत ही ठंड है। जनरी देखो क्या दिखाई दिया आपको यहाँ पे, क्या क्या दिखाई दिया? बहुत सारा फूल है, फ्लावर्स, और रैबिट, हाँ रैबिट वो सब है, और टाइगर वो सब, वो कुछ स्टैचू भी है। तो चलो इस तरफ जाके देखते हैं इस तरफ क्या क्या है। चलो इस गार्डन का पूरा दिखा देते हैं, बोटानिकल गार्डन जो है। तो एक्चुअली हम लोग आज हाफलोंग आया था, हाफलोंग आने के बाद में मतलब मार्केट में शॉपिंग किया थोड़ा बहुत, और शॉपिंग तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोग पहले शॉपिंग, आप लोगों का जो मार्केट है पहले भी ब्लॉग बनाया ना, इसलिए आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो इसलिए यहाँ पे जनरी और जनरी का मॉम ने बोला कि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेगा, तो हाँ लेके आया। और ऐसा गार्डन में आना चाहिए हम लोग, अगर आप लोग को नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा ना। तो मेरा एक ब्लॉग है, तो मैं ब्लॉग में सोचा मैं भी ब्लॉक में दिखा देते हैं इस बोटानिकल गार्डन को अभी कैसा है। हाँ, ये टाइगर है, लेकिन एक इसका जो मेंटेनेंस जो है इसका बिल्कुल खराब है। हाँ खराब है, मेंटेनेंस नहीं करता। देखो कलर आप लोग देख सकते हैं कलर, और यहाँ खान शायद निकल गया है यहाँ का,
और ये इन सब का कलर देखो, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे फट भी गया है, बहुत पुराना हुआ है और मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। देखो लेस नहीं है इसका, है ना जनरी? हाँ। क्या क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, आपके जैसा मेंटेनेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा पुराना है और नया कलर भी नहीं लगाया। हाँ। देखो हाँ। आग भी खुलने वाला है, पूरा निकलने वाला है। और कान तो पहले से निकल चुका है। हाँ। दो ब्यूटी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है तो कैसा है? अच्छा लगेगा ना टूरिस्ट को, कैसा अच्छा लगेगा? हम लोग लोकल है इसलिए चलो ठीक है। ऐसा हमारे घर में नहीं है, है ना? छोटा है। अच्छा, अगर है तो देखो कितना सुंदर है, बड़ा भी है कितना। ऐसा मैं भी घर का वाला को भी ऐसा बनाऊं, ठीक है? तो मैं मेरा व्यूअर्स को मैं दिखाऊंगा जेनरे मॉम का एक फूल यहाँ पे जो देखा उसने, तो घर में है बोला, उसका घर में मतलब हम लोग का घर में है ऐसा, लेकिन हम तो दिखा ही नहीं दिया ऐसा ना। तो आप लगाओ अच्छा सा है क्या? छोटा सा नहीं, बड़ा होगा। अच्छा, तो इसको बड़ा करा ऐसा माफी ना। ये कितना साल का होगा इससे? पता नहीं, बहुत साल का हुआ होगा, 8 साल से ऊपर हो गया, 3-4 तो हो गया आराम से। ये इस गार्डन में इसको सफा तो करता है, ये क्लीन है। यहाँ पे इतना फेयर है फिर भी नीचे पूरा क्लीन करके रखा है, तो इसका मेंटेनेंस तो करता है। ग्रास को तो मतलब पूरा अच्छा ही रखता है, यहाँ पे पूरा मेंटेन अच्छा है। इतना सारा फूल है और पेड़ है, लेकिन इतना यहाँ पे मतलब मेला नहीं लगता, अच्छा लगता है। हाँ, तो आप लोग भी आइए यहाँ पे बोटानिकल गार्डन में, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है। बोटानिकल गार्डन जो है यहाँ पे फूल भी जितना भी ये जो ग्राउंड है ना, ये जो एरिया है इसके अंदर में, हाँ जितने फूल भी ज़्यादा है और पेड़ भी ज़्यादा है बहुत सारे। अभी यहाँ पे एक धूप भी ज़्यादा नहीं लगता और यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे कूल है, मेन रास्ते के पास है, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब आराम मिलता है। यहाँ पे आके आराम से आप बैठो, गपशप करो, है ना, फैमिली के साथ आओ, यहाँ पे बैठो, एंजॉय करो, बस जगह तो अच्छा है यहाँ पे। इस गार्डन को और भी सुंदर बना सकते हैं, यहाँ पे जितना भी पहले से जो बनाए हैं इन सब को अगर अच्छा से कलर देके अच्छा से मेंटेन करने से ना और भी अच्छा लगता है। और कुछ यहाँ पे बनाने के लिए बहुत ही जगह खाली पड़ा है ना, इन सब में बच्चा लोग
बच्चा लोग थोड़ा मतलब आके फैमिली से अगर आता है तो थोड़ा बहुत बच्चा लोग बैठने के लिए अलग से है ना, ऐसा कुछ चीज़ें रख सकता है यहाँ पे भी अच्छा लगने के लिए है ना, ऐसा कुछ रखने से अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो मैं वही बोलूँगा यहाँ का जो मेंटेनेंस है, हमारे जो बोटानिकल गार्डन को जो देखभाल करते हैं उन लोगों को मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसे थोड़ा बच्चा लोग के लिए थोड़ा आप लोग चीज़ें रखने से अच्छा रहेगा, मैं तो वो सोचता हूँ। लेकिन मेन बोटानिकल गार्डन में क्या क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता। हाँ ऐसा भी हो सकता है बोटानिकल गार्डन में बच्चों लोग के लिए कुछ चीज़ें नहीं रखता, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होने से अलग बात है कि नहीं जनरी? आपको क्या लगा बच्चों लोग के लिए यहाँ पे कुछ बैठने के लिए बात? हाँ कुछ कुछ ऐसा होने से अच्छा था। हाँ बच्चे लोग अट्रैक्टिव होगा यहाँ पे, उन लोग खुश होगा ना। और ये थोड़ा लाइट्स भी होना चाहिए, मीन्स ओनली एक दो नहीं, थोड़े बहुत जिससे रात में भी आ पाए। हाँ ये तो है, लेकिन थोड़ा ज्यादा होने से तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत। हाँ आपको ऐसा लगता है ना? हाँ चलो यहाँ पे बैठते हैं। ये जो घर है ये तो पूरा क्लीन करके रखा है, यहाँ पे टाइल्स भी बिखरे गया है और ये तो पूरा क्लीन है। यहाँ पे लोग जो आता है ना इन लोग भी यहाँ पे कुछ लेतरा नहीं करता। तो गाइस मैंने यहाँ पे जाके पूछा तो इसे बोटानिकल गार्डन को यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोग मेंटेन करता है, इसीलिए तो ये साफ सुथरा है, यहाँ पे नीट एंड क्लीन है मतलब ऐसा यहाँ पे। और इसलिए मतलब क्या है उन लोग देखभाल करता है ना, इसलिए और गवर्नमेंट देखभाल करता है इसलिए बाकी इतना रिपेयर भी नहीं हो रहा है शायद। अगर प्राइवेट होते तो बहुत कुछ रिपेयर हो कर देते और अच्छा से एक यहाँ पे ना बहुत कुछ यहाँ पे लगाते मेरे ख्याल से, अगर प्राइवेट होते तो ऐसा है ना। लेकिन गवर्नमेंट का तो ऐसा ही होता है ना, देखभाल करता तो है डिपार्टमेंट का लेकिन पैसा इतना नहीं डालता होगा शायद, इसलिए नहीं मेंटेनेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे बैठ गया ना आप लोग, कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा है। और क्या है हम लोग एक्चुअली ना हफलोंग आया था मार्केट शॉपिंग किया, तो मैं सोचा था शॉपिंग हफलोंग का जो मार्केट तो पहले मैंने ब्लॉग बनाया था इसलिए मैं सोचा था कि इसको ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, तो ऐसे ही आज शॉपिंग करने के लिए आ गया हम लोग। तो शॉपिंग हम लोग का कंप्लीट भी हो गया, तो क्या हुआ तो आज हम लोग शॉपिंग में क्या क्या लिया वो पहले बोल देता हूँ आपको। ये जो शू है जेनरी के लिए ये शू लिया है आज, कैसा लग रहा है? अच्छा है। आपका सोई से लिया ना? हाँ। इसका फास्ट कॉपी बोल रहे हैं नाइकी का, फास्ट कॉपी है। और जेनरी का मामा के लिए क्या लिया? दो शॉल लिया और दो पर्स लिया। अच्छा हाँ मेरे लिए एक जम्पर लिया ठंडा दिन के लिए, एक शर्ट लिया और बीरज के लिए एक माफलर लिया और बीरज के मामा के लिए एक क्या लिया था? शॉल और एक पर्स। क्या लिया था? एक शॉल और एक पर्स लिया दीदी के लिए। तो हिना के लिए आज कुछ नहीं लिया लेकिन क्यों नहीं लिया? खाने के लिए तो लेके जा रहा हूँ उसके लिए भी, लेकिन हिना के लिए क्यों नहीं लिया हम लोग आज? क्योंकि वो नहीं आया था ना आज हमारे साथ, इसलिए नहीं लिया उसके लिए। आज क्या हुआ कि होटल में हम लोग आया था आज परोठा खाने के लिए, तो उसमें एक आंटी ने घी में दिया, सो थैंक यू आंटी। चिकन लॉलीपॉप के लिए अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, बताऊंगा कैसा है। लॉलीपॉप कैसा है? अच्छा है, टेस्टी है। अभी जो बोला था जनरी ने कि वो आंटी ने, मेरा तो आंटी नहीं होगा, मेरा तो हाँ सिस्टर होगा, मैं दीदी ना अभी आंगला अभी। तो थैंक यू अभी जनरी ने कि लॉलीपॉप रिबन के लिए। एक्चुअली जिन थर मैया कि जिन्हें वीडियो के सरे सर के जाना दू ना, हम लोग का वीडियो कौन कौन देखते हैं हम लोग पता नहीं होता, लेकिन दीदी ने बोला कि
कि वो हमारे जो वीडियो है रोज वो देखते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइबर को मिल गया आज, तो थैंक यू फिर से। न्यू ईयर का गिफ्ट लॉलीपॉप मिला जान रही आज, और खा रहा है वो दवा के खा रहे आप लोगों का ऐसा काइंड बिहेवियर के लिए, सो थैंक यू। चंद्र के लिए पिज्जा भी लिया, क्या है इमिकास पिज्जा। टेस्ट है ना जनरे? आप टेस्ट नहीं करोगे? मैं नहीं करूंगी। क्यों? आलू का पराठा खाया, कॉफी पिया और ऑरेंज भी खाया, इसलिए पेट फुल है। ठीक है, बाद में खा लेना आप। बहुत ही टेस्ट है गाइस। हम लोग मायवांग में तो ऐसा पिज्जा अच्छा नहीं मिलता आप लोगों का जैसा। बहुत अच्छा मुझे पिज्जा इतना पसंद नहीं है। बहुत टेस्टी है, गरम गरम है ना, टेस्टी। तो दो बचा है आपके लिए रखा है, चाप खा लेना। ठीक है ठीक है, बाद में खा लूंगा। एक हाथ में लॉलीपॉप और एक हाथ में पिज्जा पिज्जा खा रहे हो। एक को पहले खा लेते हैं। वाह, मोटू और पतलू की जोड़ी बिराज सुन लो। आज बीरज नहीं आया ना, इसलिए आज बीरज को बोला था आने के लिए, लेकिन बीरज नहीं आया। अगर आते तो आप पिज्जा वो भी खाने मिलते, आप भी घर में ले जाएगा ना नहीं ले जाएगा कुछ ठिकाना नहीं है ना। हम लोग घर में लेके जाएंगे या नहीं कुछ ठिकाना नहीं है। बीरज आपको पिज्जा खाने नहीं मिलेगा। मम्मी ने नहीं खाया तो मिल सकता है। हाँ, बोटानिकल गार्डन का ब्लॉग छोटा सा बना दिया है, तो बस आज का ब्लॉग मैं ये तय रखता हूँ। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।